गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग प्रेपोजिशंस कर रहे थे। प्रेपोजिशन में कुछ हमने वर्ड्स के यूजेस भी पढ़ लिए थे कि कौन से प्रेपोजिशन का कहाँ पर कैसे यूज होगा। और जैसे कि हम देखेंगे, जो हमने प्रेपोजिशन को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, इन द सेंस ऑफ टाइम, इन द सेंस ऑफ प्लेस और इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब हम कुछ और प्रेपोजिशन का आज यूजेस पढ़ेंगे। तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन और अमंग के बीच में, कि बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या है, बिटवीन किसके साथ यूज होगा और अमंग किसके साथ यूज होगा। बिटवीन का जैसे आमतौर पर हम सबको पता है कि टू थिंग्स के साथ बिटवीन का यूज होता है, और ग्रुप में अगर हम कोई चीज डिवाइड करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा अमंग यूज होता है। तो हम देखते हैं कि बिटवीन, पहले हम बिटवीन के बारे में पढ़ेंगे, बिटवीन कहाँ यूज हो, फॉर टू पर्सन एंड थिंग्स। जैसे कि बात की कि दो या दो से ज्यादा, दो चीज के साथ, सिर्फ दो, दो के साथ कोई चीज हो या इंसान हो, पर्सन हो, उनके साथ हमारा बिटवीन यूज होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका पॉइंट, फॉर थिंग्स और पर्संस कंसीडर्ड एज सेपरेट और डिस्टिंक्ट, उनके साथ भी यूज होगा जब बहुत सारे लोग हैं और उनमें से किसी, जैसे बहुत ग्रुप है, ग्रुप में से भी हमें सेपरेट करना है, डिस्टिंक्ट करना है, अलग करना है, तब हम ग्रुप में जब उनको डिस्टिंक्ट या सेपरेट करते हैं तब वहां पर बिटवीन यूज होगा। तब ये मत सोचना कि तो दो से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा तो हैं, पर उनमें भी तो हम सेपरेट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं उनको। जब अलग करेंगे ग्रुप में से, तब वहां क्या होगा, बिटवीन यूज होगा। बिटवीन का यूज कहाँ हुआ, टू पर्सन और थिंग्स, और बिटवीन इज यूज्ड विद, यूज्ड एज सेपरेट और डिस्टिंक्ट। बिटवीन को सेपरेट और डिस्टिंक्ट की सेंस में भी हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, टू कैट्स डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन और अमंग देमसेल्फ। दोनों ऑप्शन दिए, दोनों में से आना क्या चाहिए। अब ये तो सिंपल से एग्जांपल है, टू आ गया है, टू के साथ तो आना ही क्या चाहिए, टू थिंग्स और पर्संस के साथ हमारा बिटवीन आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा क्या, बिटवीन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द नेगोशिएशंस बिटवीन और अमंग द कंट्रीज ऑफ एशिया आर गोइंग वेल। अब देखो, एशिया में हमारी बहुत सारी कंट्रीज है, तो बहुत सारी कंट्रीज हो गई, ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अमंग और बिटवीन में से अमंग यूज होगा, क्योंकि ग्रुप की बात चल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द नेगोशिएशन बिटवीन और अमंग इंडिया, चाइना एंड भूटान आर गोइंग वेल। अब देखो, एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन उसमें से भी हमने क्या किया, डिस्टिंक्ट कर दिया कंट्रीज को, स्पेसिफाई कर दिया, थ्री कंट्रीज के नेम दे दिया। बात करो कि तीन आ गई है, तीन आ गई, तो हम बिटवीन यूज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि पहले ही पॉइंट क्या था कि सेपरेट और डिस्टिंक्ट अगर हम करेंगे ग्रुप में से, तो वहां पर बिटवीन यूज होगा। अगर एज ए ग्रुप वो चीज यूज हो रही है, तो वहां पर अमंग यूज होगा। तो देखो, जो सेकेंड एग्जाम्पल था, द नेगोशिएशन बिटवीन और अमंग द कंट्रीज ऑफ एशिया आर गोइंग वेल, यहाँ पर तो हमने अमंग किया, क्योंकि क्या रूल है कि मोर, जो अमंग है वो किसके साथ यूज होगा, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, और इट इज यूज टू पोर्ट्रे द आइडिया ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ ए ग्रुप। या तो क्या करता है, जब ग्रुप का एक हिस्सा होने की बात की जाती है, तब हम अमंग यूज करते हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा कोई भी चीज या पर्सन होंगे उनके साथ अमंग यूज होगा। तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है, उसमें क्या, एज ए ग्रुप उसने काम किया है, लेकिन थर्ड में क्या किया है, एज ए डिस्टिंक्ट, थ्री कंट्रीज को डिस्टिंक्ट किया है ग्रुप से। जब डिस्टिंक्ट करेंगे तो क्या होगा, अमंग, लेकिन एज ग्रुप बात करेंगे तो, जब डिस्टिंक्ट करेंगे तो बिटवीन का यूज होगा, लेकिन एज ए ग्रुप बात करेंगे तो अमंग का यूज होगा। तो सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, कि जो सेकेंड है, द नेगोशिएशंस बिटवीन द कंट्रीज ऑफ एशिया आर गोइंग वेल, बिटवीन और अमंग दोनों आए हैं, लेकिन इसमें यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, अमंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एज ए ग्रुप बात चल रही है यहाँ पर। थर्ड में क्या है, नेगोशिएशंस बिटवीन और अमंग इंडिया, चाइना एंड भूटान आर गोइंग वेल। यहाँ पर क्या है, ग्रुप में से तीन कंट्रीज को सेपरेट किया, सेपरेट करते ही हम क्या करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे, अमंग यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ मैच बिटवीन और अमंग द एशियन कंट्रीज। यहाँ पर क्या आना चाहिए, अमंग आएगा। क्यों, क्योंकि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज, और यहाँ पर उन सभी कंट्रीज के बीच में मैच को बताया जा रहा है, इसलिए क्या आएगा, अमंग यूज होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ मैच बिटवीन और अमंग इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ठीक है, देयर इज मैच बिटवीन अमंग, बिटवीन और अमंग में से चूज करना। अब यहाँ पे भी तो देखो, बहुत सारी कंट्रीज में से थ्री कंट्रीज को अलग से सेपरेट किया, डिस्टिंक्ट कर दिया, तो क्या यूज हो रहा है, बिटवीन यूज हो रहा है। एक बार फिर से हम इन पांचों एग्जाम्पल को देखते हैं, द टू कैट्स डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन देमसेल्फ, टू आ गया है तो बिटवीन यूज हो गया। फिर कर रहे थे, नेगोशिएशंस बिटवीन और अमंग द कंट्रीज ऑफ एशिया आर गोइंग वेल, यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन नहीं आएगा, अमंग यूज होगा, क्योंकि एज ए ग्रुप इसकी बात चल रही है।
कि एशिया क्या एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हो गई है। फिर आ रही द नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया चाइना एंड भूटान आर गोइंग वेल, ग्रुप में से थ्री कंट्रीज को सेपरेट कर दिया, डिस्टिंक्ट कर दिया है, ठीक है, तब क्या हुआ बिटवीन आया। फोर्थ है देर इज अ मैच बिटवीन और अमंग द एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज एंड की होल ग्रुप लेके चल पड़े, पूरे कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, उन सभी में मैच है, तो वहां पर अमंग आएगा, पूरे ग्रुप की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ आएगा अमंग आएगा। फिर देर इज मैच बिटवीन और अमंग इंडिया बांग्लादेश एंड श्रीलंका, यहाँ पर क्या किया कॉन्टिनेंट्स में से क्या किया ग्रुप में से कंट्रीज में से सेपरेट कर दिया, थ्री कंट्रीज सेपरेटली बता दिए, डिस्टिंक्ट बता दिए कि इन तीन कंट्रीज का आपस में मैच होगा, तो वहां पर क्या आएगा बिटवीन आएगा, ठीक है। फिर कुछ हमारे क्या एक और इसका लॉजिक भी है कि जब दो से ज्यादा एक्सटेंड कर जाती है कोई चीज, पर्सन या थिंग्स एक्सटेंड हो जाती है, तो वहां पर हमारा अमंग के बजाय बिटवीन क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा अमंग है वो कभी भी अपने साथ एंड लेकर नहीं चलता है, उसके साथ कभी एंड नहीं आएगा, लेकिन जहां एंड आ जाएगा वहां पर हम यूज करेंगे बिटवीन। तो इन एग्जांपल में आप देख सकते हो जहां पर अमंग आया क्या उस सेंटेंस में कहीं पर भी एंड है, नहीं है, जहां पर एंड नहीं है दैट मीन्स अमंग यूज होगा, और जहां पर एंड है वहां पर क्या होगा बिटवीन यूज होगा। कब की बात चल रही है, जब ये दो से एक्सटेंड हो जाते हैं तब की, क्योंकि अमंग का तो यूज ही दो से एक्सटेंड है, दो से ज्यादा के साथ हो रहा है, लेकिन हम बिटवीन की बात करें बिटवीन सिर्फ दो के लिए होता है, लेकिन बिटवीन कई बार हम क्या करते हैं कि जब उनको सेपरेट और डिस्टिंक्ट शो करते हैं तब भी उसमें बिटवीन आ जाता है, तो जब दो से एक्सटेंड होते हैं हम बिटवीन जहां यूज करेंगे तो वहां पर आप एंड वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं कि एंड जहां पर आएगा दो से ज्यादा में वहां पर बिटवीन हम यूज करेंगे, अमंग यूज नहीं करेंगे। फिर हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा क्या होगा आपका बिटवीन ही यूज होगा, बिटवीन प्रपोजिशन ही यूज होगी, वो वर्ड्स क्या क्या है आपके डिस्टिंग्विश हो गया, चूज डिवाइड डिफ्रेंशिएट कनेक्शन लिंक रिलेशन, इनका भी हम एग्जांपल के साथ देख लेंगे कि इन वर्ड्स के साथ भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आए और प्रपोजिशन की बात चले तो उन वर्ड्स को देखते ही आप प्रपोजिशन यूज करोगे बिटवीन। तो हम एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट वांट टू चूज बिटवीन द सिंगर्स, आई डोंट वांट टू चूज बिटवीन द सिंगर, यहां पर देखो वर्ड आ गया चूज और सिंगर्स हैं बहुत सारे, लेकिन वर्ड को देख के हमने प्रपोजिशन कौन सी यूज करनी है बिटवीन यूज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, I didn't want to choose among or between the singers, among or between the singers। अब बात क्या की थी कि कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेकर चलेंगे बट लेकर बिटवीन लेकर चलेंगे, तो वो वर्ड्स क्या थे डिस्टिंग्विश चूज डिवाइड डिफरेंशिएट कनेक्शन लिंक और रिलेशनशिप, और इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ड है वो क्या है चूज, तो चूज आ गया तो हमारा प्रपोजिशन क्या यूज होगी बिटवीन यूज होगी अमंग यूज नहीं होगी। एक और एग्जांपल, ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन और अमंग ऑल द इंसिडेंट्स, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन और अमंग ऑल द इंसिडेंट्स ठीक। अब यहां पर भी वर्ड हमारा जो आया वो क्या आया कनेक्शन, जो वर्ड आ गया कनेक्शन वर्ड आ गया, मतलब यहां पर हमारी जो प्रपोजिशन यूज होगी वो क्या यूज होगी बिटवीन यूज होगी। आपको वर्ड्स याद रखने हैं कौन कौन से वर्ड, डिस्टिंग्विश लिंक कनेक्शन चूज डिफरेंशिएट और रिलेशनशिप, ये वर्ड जब आएंगे तो इनके साथ प्रपोजिशन जो यूज होगी वो होगी आपकी बिटवीन यूज होगी। आई थिंक इन एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा, फिर भी हम एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका बिटवीन और अमंग का। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द ब्रदर्स, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन और अमंग द ब्रदर्स, बिटवीन और अमंग द ब्रदर्स, अमंग द ब्रदर्स, यहां पर क्या होगा, यहां पर वर्ड हमारा आ गया डिफरेंस, डिफरेंस जहां वर्ड आएगा उसके साथ
बिटवीन यूज हो गया। आज हमने क्या पढ़ा है? बिटवीन और अमंग का यूज पढ़ा। आम बात पढ़ते हैं टू और टुवर्ड्स का यूज कहाँ होता है, ठीक है? बिटवीन और अमंग आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं टू और टुवर्ड्स का यूज, कि टू कैसे यूज होगा, टुवर्ड्स कैसे यूज होगा, और उनमें डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एक जो है वो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या शो करता है, फिक्स्ड प्लेस और डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है, डिनोट करता है, ठीक है। टू और टुवर्ड्स का हम पढ़ रहे हैं। जो टू है वो क्या डिनोट करता है, डिनोट मूवमेंट टू अ फिक्स्ड प्लेस और डेस्टिनेशन, की हमारी मूवमेंट को शो करता है जो कि एक फिक्स्ड प्लेस पे या फिर डेस्टिनेशन पे की तरफ शो करता है, ठीक है। तो इस यहां पे क्या है, it denotes movement to a fixed place or destination, fixed place or destination, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, आपकी मूवमेंट को शो करता है किस तरफ, कोई फिक्स या एग्जैक्ट जो प्लेस है, डेस्टिनेशन है, उसके तरफ आपकी मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। और टुवर्ड्स है वो क्या करता है, इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। टुवर्ड्स आपकी डायरेक्शन को शो करता है कि किस तरफ आपकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और ये एक का मतलब क्या होगा, तरफ हो गया उसका मतलब। टुवर्ड्स डिनोट द मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, की जो आपकी मूवमेंट करने की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बता रहा है कि किस तरफ आप मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। और वो क्या है, एग्जैक्ट फिक्स प्लेस के बारे में जो आपकी मूवमेंट है उसको एग्जैक्ट बता देगा उसमें कि कहां पर पहुंचना है, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन की बात चल रही है। और इसमें सिर्फ इतना ही ऐड करेगा कि किस तरफ मुड़े थे, किस तरफ गए थे। तो ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। देखो टू में डायरेक्शन नहीं बता रही, उसमें फिक्स प्लेस और डेस्टिनेशन बता रही, लेकिन टुवर्ड्स ने क्या बताया, आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बता दिए, डायरेक्शन ही बता दिए। तो टुवर्ड्स जो वर्ड है वो आपकी डायरेक्शन शो कर रहा है, और टू क्या है, आपका फिक्स प्लेस और डेस्टिनेशन की बात कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ही वेंट टू स्कूल और ही वेंट टुवर्ड्स स्कूल, दोनों एग्जाम्पल में हमारे दोनों आ रहे हैं। ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, ये प्रेपोजिशन में ग्रामेटिकली ये भी सही है। ही वेंट टुवर्ड्स, ही वेंट टू स्कूल और ही वेंट टुवर्ड्स द स्कूल। अब यहां पर देखो टू और टुवर्ड्स दोनों ही सेंटेंस हमारे करेक्ट है, लेकिन इनकी जो डिफरेंस है, डिफरेंट क्या है इसमें, फर्स्ट में ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल मतलब कि एग्जैक्ट बता दे कि वो गया कहां पर है, स्कूल में गया, स्कूल गया है वो, ठीक है, एग्जैक्ट बता दिया है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है, ही वेंट टुवर्ड्स, इसमें श्योर नहीं है कि वो स्कूल के अंदर गया, लेकिन गया कहां है, किस तरफ गया, स्कूल की तरफ गया है वो, ठीक है। तो डिफरेंस क्या, की तरफ, की ओर, यानी कि टुवर्ड्स का मतलब क्या हमारा, की ओर या की तरफ इसका मतलब होता है, इनकी डायरेक्शन शो कर दिया इसने, ठीक है। और जो टू था वो क्या है, फिक्स्ड डेस्टिनेशन क्या था, इसमें क्या हुआ, फिक्स्ड डेस्टिनेशन बताया, फिक्स्ड प्लेस बताया, वो जो फिक्स्ड प्लेस है वो क्या है, स्कूल है, और इसमें क्या है, डायरेक्शन बताई है टुवर्ड्स ने, ठीक है, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, कुड यू टेल मी द वे डैश द स्टेशन। अब आप बताना कि क्या आना चाहिए, कुड यू टेल मी द वे डैश द स्टेशन, क्या आना चाहिए, कुड यू टेल मी द वे डैश द स्टेशन, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, टू आना चाहिए, टुवर्ड्स आना चाहिए। तो ये देखो स्टेशन जो है वो एक क्या है, फिक्स पोजिशन है, फिक्स डेस्टिनेशन हो गया। तो फिक्स डेस्टिनेशन के लिए हमारा क्या यूज आएगा, टू हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें तब क्या आएगा, टुवर्ड्स आएगा। तो जैसे मैं बोलती ही टर्न टुवर्ड्स द, ही टर्न टुवर्ड्स द स्टेशन, ही टर्न
टर्न टुवर्ड्स द स्टेशन, यानी कि वो स्टेशन की तरफ मुड़ा, अब ये नहीं पता कि वो स्टेशन पे ही गया, लेकिन इसमें क्या वो पूछ ही किसका रास्ता रहा है, स्टेशन का रास्ता रहता है। जब स्टेशन का रास्ता पूछ रहा है कि फिक्स डेस्टिनेशन की बात कर रहा है तो क्या आएगा टू, लेकिन जब डायरेक्शन की मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन की बात आती है तब हम क्या करेंगे टुवर्ड्स। ठीक है, अब हम यूज पढ़ते हैं विद और बाय का। विद हमारा कहाँ यूज होगा, बाय का यूज कहाँ होगा, यानी कि विद और बाय में डिफरेंस क्या है। हम वही प्रपोजिशन लेके जाते हैं जिनका साथ में क्या है थोड़ा थोड़ा अपने साथ हम सोचते हैं कि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कहाँ पर क्या आना चाहिए, वो प्रपोजिशन हम साथ लेकर चल रहे हैं। अब आप कंफ्यूज होते हो जाते हो कई बार कि बाय कहाँ हम यूज करें, विद कहाँ यूज करें, तो वो कंफ्यूजन आज हम दूर करते हैं। ये आई थिंक आपको समझ आया होगा टू और टुवर्ड्स में डिफरेंस क्या है। अब हम करेंगे विद और बाय में डिफरेंस। जैसे कि सुना हो विद और बाय, एक में तो क्या है डूअर, यानी कि जो सब्जेक्ट है जो करने वाला है काम वो खुद करता है, जो वो कौन करेगा उसमें आएगा आपका बाय। लेकिन एक में किसी की हेल्प लेके किसी इंस्ट्रूमेंट या वेपन को यूज करके हम कोई काम कर रहे हैं वहां पर हमारा क्या होगा विद यूज होगा। तो हम विद का यूज देते हैं बीइंग टुगेदर के सेंस में यूज होता है विद का, बीइंग टुगेदर यानी कि एक साथ की सेंस में, बीइंग टुगेदर, बीइंग टुगेदर का मतलब होता है के साथ की सेंस में। और दूसरे क्या है विद डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डूअर, यानी कि क्या होगा दूसरा क्या डिनोट करता है जो विद है वो क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स, द इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स यूज्ड बाय द डूअर। क्या क्या बात चल रही है कि विद क्या हमारा डिनोट कर रहा है, एक तो के साथ होने की बात को डिनोट कर रहा है कि बीइंग टुगेदर को डिनोट कर रहा है, दूसरा क्या डिनोट करता है जो इंस्ट्रूमेंट्स या वेपन्स हम यूज जो डूअर है करने वाला है काम वो जो यूज करता है जिनको उसने यूज किया उनको डिनोट करता है वो। ठीक है, और बाय क्या है, बाय सिर्फ आपको क्या शो करेगा, एक तो डूअर को ही शो करेगा, डूअर ने जो काम किया डूअर के लिए हम क्या यूज करेंगे बाय। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट और वेपन्स हम कुछ काम करते हैं तब विद है, अगर डूअर इटसेल्फ कोई काम कर रहा है तब तो क्या होगा बाय यूज होगा, लेकिन किसी की हेल्प लेके किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो काम कर रहा है तब विद करेंगे। दूसरा हमारा क्या था विद का कि बीइंग टुगेदर साथ की सेंस में करता है, ऐसे ही बाय का क्या है नियर को डिनोट करने के, बिसाइड क्लोज टू नेक्स्ट टू, यानी कि जो हम उसका बाय का यूज करेंगे, एक तो क्या था बाय का यूज हुआ था एक तो डूअर यानी कि द्वारा के सेंस में, द्वारा ऐसे बोलते हम। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे क्या इसके क्लोज टू नेक्स्ट टू नियर बिसाइड के सेंस में हम क्या करेंगे बाय का यूज करेंगे, बिसाइड क्लोज टू नेक्स्ट टू और नियर के सेंस में हम क्या यूज करेंगे बाय का यूज करते हैं। वन बाय वन हम एग्जांपल लेते हैं, आई विल बी विद यू शॉर्टली, एग्जाम्पल आई विल बी विद यू शॉर्टली। अब यहां पर देखो क्या कोई वेपन या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है या फिर बीइंग टुगेदर की सेंस आ रही है, यहां पर हम तुम्हारी सेंस किसकी आ रही है बीइंग टुगेदर की सेंस आ रही है, क्या यूज किया विद। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, ही ओपन द बॉक्स विद स्क्रू ड्राइवर, ही ओपन द बॉक्स, ही ओपन द बॉक्स विद स्क्रू ड्राइवर। यहां पे जो आपका स्क्रू ड्राइवर है वो क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपका और उसकी हेल्प से क्या है बॉक्स को ओपन किया तब हमने क्या यूज किया विद। तो विद के दोनों यूजेस कर लिए, बीइंग टुगेदर के सेंस में भी यूज किया, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमने की हेल्प से हमने कोई काम किया तो उसके साथ भी हमने विद का यूज किया। दूसरा क्या है, आई रोट द आंसर्स विद अ ब्लू पेन, अब जो ब्लू पेन है वो भी आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, आई रोट द आंसर्स, रोट द आंसर्स विद ब्लू पेन। यहां पर जो पेन है वो किसके सेंस में यूज हुआ है,
इंस्ट्रूमेंट के सेंस में, लेकिन एक एग्जांपल हमारा ऐसा भी है, अगर कई बार आप आपने एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलता है कि आपको आंसर किसमें कौन से पेन से करना है, कैसे इंक में करना है, तब वहां पर विद की बजाय हमारा क्या यूज होता है, इन यूज होता है। वो एग्जाम्पल रहता है आई रोट द आंसर्स। अब दोनों ऑप्शन है विद और इन, आई रोट द आंसर, हाँ पर विद नहीं आएगा क्योंकि जो इंक है वो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो यहां पर क्या आना चाहिए आपका, इन यूज होगा। तो कभी भी अपनी ये गलती मत कर देना कि जैसे पेन के साथ हमने विद यूज कर दिया, पेन तो एज ए इंस्ट्रूमेंट बात चल रही है कि हमने पेपर की आंसर क्या है लिखे किस चीज से, ब्लू पेन से लिखे, लेकिन ये क्या है कि जो पेन था उसमें इंक कैसी थी उसकी बात चल रही है, तो पेन की तो यहाँ पे बात ही नहीं चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन यूज होगा हमारा, ठीक है, क्लियर हुआ होगा कि विद का यूज क्या होगा, बींग टूगेदर के सेंस में यूज हुआ, और इंस्ट्रूमेंट्स डिनोट करेंगे जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए टूअर ने या सब्जेक्ट ने, उनको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। अब बात चल रही है बाय की, बाय का यूज कर, बाय का जो काम खुद डूअर कर रहा है, ठीक है, उसके साथ हमारा यूज होता है बाय, और क्या है कब, जब हम शो करते हैं नियर पास की चीजें, नियर का मतलब पास हो गया, बिसाइड का मतलब भी पास हो, क्लोज टू भी पास है, और नेक्स्ट टू भी क्या है पास है, इन सबका मतलब क्या है पास है, तो इसको हम ऑब्लिक से हम डिनोट कर सकते हैं, इन सबका मतलब क्या है पास है, जब इनको हम शो करेंगे, जब डूअर की हेल्प से कोई काम और डूअर खुद काम कर रहा है तब बाय लगाएंगे, और जब नियर ने शो कर रहे हैं, नियर बिल्कुल पास शो कर रहे हैं तब हम बाय लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, द हाउस इज डैश द लेक, यहां पर क्या आएगा बाय, यानी हमारा घर है वो क्या है किसके पास है, लेक के पास है। अब हम इसको अक्रॉस नहीं कर सकते हैं, मान लो कुछ और आ गया, तो अगर वो तो हम उसके सेंस से देखेंगे कहां है, ठीक है, नियर आ जाता है वो तो अलग चीज होती है, लेकिन ये क्या है, जब हम प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं तब क्या आएगा, यहाँ पर बाय यूज होगा, विद यूज नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज किल्ड विद अ डैगर, अब दोनों ही विद और बाय दोनों एक ही सेंटेंस में यूज हो जाएंगे, अब आपको पता चलेगा कहां पर डूअर और कहां पर इंस्ट्रूमेंट का यूज हो, ही वॉज किल्ड डैश अ डैगर, ही वॉज किल्ड डैश अ डैगर डैश अ हाईवे मैन, डैश अ डैगर डैश अ हाईवे मैन। अभी जो हाईवे मैन होता है और डैगर क्या होता है, इनका मीनिंग अगर हमें पता होगा तो हम प्रपोजिशन फिल कर देंगे। डैगर तो क्या होता है आपका, खंजर जिसको बोलते हैं, ठीक है, खंजर को बोलते हैं हम डैगर, और ये हाईवे मैन क्या, हाईवे पर जो लूट करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं हम हाईवे मैन। ही वॉज किल्ड, अब जो डैगर है ये क्या आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई तो इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या आएगा हमारा, विद, ठीक है, और ये हाईवे मैन ये तो पर्सन है, कोई डूअर इटसेल्फ है, तो डूअर के साथ क्या आएगा बाय। तो इसमें मैं दोनों प्रपोजिशन का जो हमारा डिफरेंस था वो हमें समझ आ गया होगा, ही वॉज किल्ड विद अ डैगर बाय अ हाईवेमैन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही सिट बाय मी, जिसका यूज हम क्या करें बाय का यूज करें कि बाय का बिसाइड क्लोज टू नियर और नेक्स्ट टू किस सेंस में, ही सिट बाय मी यहां पर मतलब क्या है कि वो मेरे पास बैठा है। नेक्स्ट आई विल स्टैंड बाय यू, I will stand by you through thick and thin। क्या करें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, यहाँ पे साथ के सेंस में, इन सब का मतलब क्या है साथ, नियर पास, ठीक है, through thick and थिन। तो यहाँ पर हमने जो प्रपोजिशन यूज किया वो क्या यूज किया है, बाय यूज करेंगे। तो डिफरेंस आपको समझ आएगा कि बाय और विद में क्या डिफरेंस है, जब डूअर कोई काम करता है तो बाय, और किसी की इंस्ट्रूमेंट या वेपन की हेल्प लेके कब काम करता है तो विद की सेंस में आएगा। दूसरा क्या है, बींग टूगेदर, किसी के साथ की बात आती है तो बींग टूगेदर में तो विद, और जब बिल्कुल पास है कोई चीज, पास की सेंस में अगर बात चलती है तब क्या आएगा,
आपका बाय आएगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल था He sit by me, I will stand by you through thick and thin. इनमें क्या है नियरनेस को शो करा, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, ये शो किया है। ठीक है, आज हमने प्रेपोजिशन क्या क्या पढ़े, टू और टुवर्ड्स में डिफरेंस पढ़ा, विद और बाय में डिफरेंस पढ़ा, और बिटवीन और अमंग में डिफरेंस पढ़ा। ये जो डिफरेंसेस हैं इनको हम एक्सरसाइज के थ्रू अपने जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और बाकी जो प्रेपरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।